अब बेटा हाथ से दबा दो इसको, उंगलियों से, फिंगर्स से ना इस तरह से दबा दो इसको अच्छे से। लग गया आपका छोटू मनी प्लांट। हेलो दोस्तों, तो आज है संडे और ये है संडे मॉर्निंग। संडे को अक्सर ही होता है कि सुबह सुबह का टाइम है, बच्चों के स्कूल नहीं जाना होता है, तो काफ़ी हम फ्री होते हैं। तो संडे जैसे भी हमारा मन कर जाए हम वैसे ही सुबह इंजॉय करते रहते हैं काफ़ी देर तक। तो ये है मेरे पास आधा कटोरी ग्रेटेड नारियल। नारियल पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल लें। यानी एक कटोरी चावल जो मैंने रात को भिगो कर रखे थे, इनको मैं बिना पानी के डाल रही हूँ, उसके साथ आधा कटोरी नारियल। तो हम नाश्ते में बना रहे हैं आज नीर डोसा। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, इसमें बस आधा चम्मच नमक डाला है, आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो भीगे हुए चावल हैं रात के एक कटोरी, आप चाहे बिना नारियल के इसको पीस लें, बस नमक डालकर हमें इसका एकदम पतला पेस्ट तैयार करना है, यानी उसमें कोई दाने नहीं रहने चाहिए। अभी मैं इसमें आधी कटोरी पानी डालूंगी और अभी ये बैटर मैंने निकाल लिया है और मैं आपको उसको टेस्ट करना दिखाती हूँ कि बिल्कुल सही आपको पता चलेगा। आप हाथ पे लगा कर देखिए, इसका एक भी दाना आपकी स्किन पर नहीं चुभ रहा है, यानी स्किन पर कोई भी दाना नहीं चुभ रहा है, एकदम स्मूथ पेस्ट है। अब इसका जो बैटर है वो एकदम पतला होना चाहिए, यानी एक कटोरी चावल में ढाई कटोरी पानी, आधा कटोरी पानी मैं ऑलरेडी इसमें डाल चुकी थी पीसते टाइम और मैंने दो कटोरी पानी और ऐड कर दिया है। और अब आप बैटर देख सकते हैं बिल्कुल पतला बैटर हो गया है, आप इसको इस तरह से चला कर डालेंगे तो बिल्कुल पतला पड़ेगा इसका। यदि बैटर ठीक बनेगा तो आपके डोसे एकदम परफेक्ट बनेंगे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, कुछ भी नहीं चाहिए इसके लिए हमें, चावल और नमक से हम इसको बना सकते हैं बहुत आसानी से। सिंपली नॉनस्टिक तवे पर मैं इसको बना रही हूँ। बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि उनका डोसा पहला जब वो डालते हैं तो वो चिपक जाता है या प्रॉपर नहीं होता है, तो उसके लिए मैं एक छोटी सी टिप दूंगी आपको कि आप जब भी तवे को गर्म करें, डोसे के तवे को, तो उसे प्रॉपर गर्म करें और उसे थोड़ा सा ऑयल लगाकर गर्म कर लें। ऑयल को फिर आप पूरी तरह से पोंछ लें एक कपड़े से, जिससे हमारा जो तवा है वो थोड़ा चिकना हो जाएगा। और उस पर से हम ऑयल पोंछ चुके हैं तो उसकी वजह से हमारा जो डोसा है पहला वो भी बिल्कुल ऑयली नहीं लगेगा और ना ही खराब होगा। आप डोसे को जब भी डालें गरम तवे पर डालें और गैस को फिर उसके बाद स्लो कर लें। तो ये हमारा नीर डोसा एकदम पक गया है, इसको हम एक प्लेट से ढक देंगे लगभग 3 से 4 मिनट के लिए। स्लो फ्लेम पर हमने इसको बनाया है और इसकी किनारे अपने आप ही काफ़ी अच्छे से उठने लगती है क्योंकि चावल ऊपर तक स्टीम होकर पक जाता है। देखिए पूरी तरह से अच्छे से उठ रहा है, बस हल्का सा आगे से थोड़ा सा चिपक रहा है, तो इसको मैंने एक चम्मच से अलग कर दिया है और इसको निकाल लिया है। एकदम परफेक्ट किनारी से थोड़ा सा करारा और बीच से एकदम सॉफ्ट नीर डोसा हमारा बनकर रेडी है। इसे आप कभी भी ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, बहुत ही क्विक रेसिपी है और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसको गोले की हरी चटनी के साथ सर्व कीजिए। अब अक्सर होता है कि दूसरा जब हम डोसा डालते हैं तो तवा थोड़ा सा कुछ अलग हो जाता है, तो उसके लिए आप उस पर थोड़ा सा पानी डालकर हल्का ऑयल लगाकर पोंछ लीजिए, फिर से आप सेकेंड डोसा अपना गर्म तवे पर डालिए और उसको तुरंत स्लो कर लीजिए। और देखिए हमारा तवा फिर से एकदम बढ़िया
हो गया है और हमारा सेकंड डोसा भी अपने आप इजीली निकल आएगा। आप जितने चाहें इस तरह से नीट डोसे बना लीजिए, बहुत ही बढ़िया, एकदम पेपर जितने थिन और एकदम बीच से सॉफ्ट और साइड से हल्के से क्रिस्पी नीट डोसे हमारे रेडी हैं, फूल जैसे डोसे जिनको बोलते हैं हम। एकदम पतले पतले डोसे आपके बनकर रेडी हो जाएंगे, एकदम सॉफ्ट डोसे।